टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में हर घर तिरंगा अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें हर घर तिरंगा अभियान के संबंध में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा की। कलेक्टर द्विवेदी ने कार्यशाला में बताया कि राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में 13 से 15 अगस्त तक चलना है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता लाकर देशभक्ति की भावना जागृत करना और अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को स्वयं क्रय कर फहराने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि भारतीय ध्वज संहिता का पालन करते हुए सभी को अपने घर, दुकानों, कार्यालयों, शैक्षिक संस्थानों आदि पर स्वेच्छा से तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी स्थानों पर झंडा संहिता का पालन करते हुए सम्मान के साथ झंडा फहराया जाए। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO एस के मालवीय, मीडिया प्रतिनिधि सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। इस अभियान को पूरी तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा, इसके लिए प्रारंभिक तैयारियाँ कर ली गई हैं। हमारे जिले में लगभग 2.5 लाख हाउस होल्ड्स हैं, तो हमारे द्वारा झंडे की व्यवस्था कर ली गई है। इन झंडे को हमने आउटलेट्स पर्याप्त संख्या में प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कर दिए हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक दुकानों को चिन्हांकित कर रहे हैं जिनमें आउटलेट्स स्थापित होंगे। साथ ही समाज के जो कमज़ोर तबके हैं, यदि ऐसे तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उनको भी निःशुल्क झंडा उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए भी दान के माध्यम से भी व्यवस्था कर ली गई है। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जिले के समस्त घरों में 11 से 17 अगस्त तक जो शासन का अभियान है हर घर तिरंगा, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।